जहानाबाद में कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण मद से अनुदानित दर पर पावर टिलर बतौर ऋण के रूप में दिए जाने में अनुदान मद की राशि का घोटाला किए जाने का मामला पकड़ा गया है। इस गंभीर मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब 27 किसानों को दिए गए ऋण के संबंध में जांच करने की नोटिस लाभान्वित किसानों को दी गई। 27 में 22 लोग ऐसे निकले जिन्होंने ऋण लिया ही नहीं था। जब ऐसे 22 किसानों को नोटिस मिली तब उनका माथा ठनका और इन लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला कृषि पदाधिकारी को। जब किसानों ने फर्जी तौर पर पावर टिलर ऋण के रूप में देकर अनुदान मद के 13,20,000 रुपए की निकासी किए जाने की शिकायत की तो अधिकारी तुरंत हरकत में आए। इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आम जनता के साथ साजिश करके विश्वासघात और धोखाधड़ी करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन किसानों को ऋण दिए गए उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। घोटाला किए जाने का आरोप लगाया गया है जहानाबाद कारगिल चौक के समीप संचालित जनता इंटरप्राइजेस के मालिक अवधेश कुमार पर। अवधेश कुमार काको थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिघा गांव के निवासी हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिन 22 किसानों के नाम पर पावर टिलर ऋण के रूप में लिया गया है उनमें 9 लोग काको प्रखंड क्षेत्र के निवासी हैं। ये लोग इस जालसाजी की शिकायत करने जिलाधिकारी के पास आए। जिलाधिकारी से मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक से भी लोग मिले और शिकायत की। एसपी के आदेश पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं इसका पर्दाफाश करने में पुलिस सक्रिय हो गई है। हालांकि यह गंभीर मामला है कि जिन किसानों को ऋण दिया गया उनके नाम पर जमा किए गए एलपीसी अंचल कार्यालय से निर्गत है। आपको बता दें कि पावर टिलर खरीदने के लिए स्वीकृत ऋण के नाम पर 1,45,000 रुपए दिए जाते हैं और 60,000 रुपए बतौर अनुदान के रूप में किसानों को दिए जाते हैं। इस गंभीर मामले में आरोपी अवधेश कुमार अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी एवं कृषि विकास के एसएमएस की गतिविधि सहित कई पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुकेश कुमार आजकल के लिए। नाम कल्लू यादव के नाम से पावर टिलर का रुपया ले लिए। नहीं खैर हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग के ये जांच के लिए कि आप ही लोन आ गया है जमा करिए। हम कह लिए हम लेवे नहीं किया जमा का करें। कागजात नहीं मांगे? कोई कागजात नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको पता था? जी कुछ नहीं पता, पता रहता था तो कोई बात नहीं। गांव में से कितने मामले हैं जिसको मतलब? अभी मामला तो बहुत है, बाकी अभी 4 के जल्दबाजी आया था हम लोग पर आ गया था। कोई आदमी के पहले आता था पहले नहीं आती था। कौन गए थे आपके पास? जी तो कौन गया थी बोला है जीसी विभाग के, जीसी विभाग के अधिकारी गए थे। जी हाँ उनका पास न आई कि हमारे पावर टिलर काट लेलखिन है तो हम पैसा हमें मनो हम ना भरल चाहते हैं। हमको पैसा नहीं, हम खेती बधारी नहीं, हम कौची से भर रहे। पावर टिलर लिए हैं आप? ना हम लिए हैं। तो आपके नाम पर निकल गया? आपके नाम पर निकल गया। फिर डेरा धमका करके फोटो भी ले लिया, टीपा भी ले लिया, फोटो ले लिया। कुछ हद तक तो खुदी मानी जाएगी यदि वो सही रूप से जांच करता और सही रूप से उसकी अनुशंसा करता तो हम समझते हैं जिसको आज के समय में जो आ रहा है जिसके पास जमीन नहीं है और उसको पावर टिलर उसने लिया उतना ही नहीं है। आपका एलपीसी ओरिजिनल लगा हुआ है, जिसके पास जमीन नहीं है उसमें एलपीसी ओरिजिनल लगा हुआ है लगभग 1 एकड़ से ऊपर का, तो उसमें एसएमएस की सहभागिता भी हो सकती है, उसमें राजस्व कर्मचारी का भी है, अंचलाधिकारी की भी हो सकती है, ये सभी की। क्योंकि यदि वो रोक देते अपने जगह समय से सत्यता की जांच में रोक देते कि नहीं ये किसान उस लायक नहीं है, यदि वो रोक देते कि ये एलपीसी इसको नहीं मिल सकता है क्योंकि इसके पास इतनी जमीन नहीं है, तो जो करने वाला था वो कैसे गलत करेगा? जनता एंटरप्राइजेस के जो मालिक हैं अवधेश कुमार, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने अभी शिकायत किया है कि उनके नाम से उन्होंने लोन लिया है जिसका उनको कोई जानकारी नहीं, और जिसपे 1,45,000 का लोन है उसमें 60,000 का गवर्नमेंट की द्वारा सब्सिडी है और बाकी जो अमाउंट है 60,000 निकाल के वो इनके ऊपर लोन दिखाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इसको इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी तो 5 लोग आए थे लेकिन उसमें जो लिस्ट दिखाया उसमें 109 लोगों का नाम है जो पाको प्रखंड से हैं वो लोग। तो अभी मैंने वो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है इसमें तैयार करके अभी भी कर।